प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। एसीबी ने देर रात एसएमएस अस्पताल में मोटे घूसखोरों का इलाज किया। एफएस सहित तीन अधिकारी 15,60,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हुए हैं। अधिकारियों की डिमांड सुनकर परिवादी ने मना किया था और इतनी रकम की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई थी और इसके बाद एसीबी ने डमी करेंसी से कार्रवाई को अंजाम दिया। एफए बृजभूषण शर्मा को 7,80,000 में से 5,30,000 रुपए की डमी करेंसी दी गई थी। कैशियर अजय शर्मा को भी 7,80,000 में से 5,30,000 रुपए की डमी करेंसी दी गई। रिश्वतखोरों में रिश्वत की ऐसी भूख थी कि वे डमी करेंसी भी पहचान न सके। बृजभूषण शिवम नगर और अजय शर्मा महावीर नगर स्थित घर पर ट्रैप हुए हैं। आरएमआरएस प्रभारी एनेस्थीसिया मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक शाह जोशी भी डिटेन किए गए इस मामले में। बेहद अहम कार्रवाई एसीबी ने की है। परिवादी ने एसीबी मुख्यालय पर आकर और इस तरह का परिवाद दिया कि उसने जो फ्री मेडिकल व्यवस्था होती है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसमें कई सारे उपकरण लगा रखे हैं, उनका 5 करोड़ से अधिक का बिल पेंडिंग है और उस बिल के लिए उसको परेशान किया जा रहा है और बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और वहाँ के वित्तीय सलाहकार और जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो उसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एसीबी की ग्रामीण इकाई के एडिशनल एसपी आहद खान को ये काम दिया गया। उन्होंने सत्यापन किया और सत्यापन में ये पाया गया कि ये लोक सेवक परिवादी से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कल देर शाम में एसीबी की ग्रामीण इकाई आहद खान के नेतृत्व, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कल ट्रैप किया गया। एक तरफ वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा को 7,80,000 रुपए की रिश्वत राशि, जो पेंडिंग बिल का 1.5% है, लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के अकाउंटेंट जो कैशियर का काम देखते हैं अजय शर्मा, उनको 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत वो उनके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर प्रकाश शर्मा और डॉक्टर जोशी, जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के प्रभारी अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके बिहाफ पर ली जा रही थी। इसके बाद दोनों जगह ट्रैप होने के बाद हमारे डीआईजी विष्णुकांत और एडीजी श्री एमएन दिनेश के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशंस किए गए। सर्च में श्री अजय शर्मा, जो कि कैशियर हैं और अकाउंटेंट हैं, उनके घर पर रिश्वत राशि 7,80,000 के अलावा 50,00,000 रुपए की कैश बरामद किया गया। बृजभूषण शर्मा, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनके घर पे 7,00,000 रुपए का कैश बरामद किया गया और डॉक्टर जोशी के घर पे 1,00,000 का कैश बरामद किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और चारों लोक सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है।